हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ इट्स डीपी के। और गाइस, 2022 अब बस चंद लम्हों का मेहमान है। कुछ दिनों में ही हम 2022 को अलविदा कह देंगे और स्वागत करेंगे नया साल, नई उम्मीद 2023 का। एक नया साल जिसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे होप हैं और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे पास चांसेस हैं अपने स्किल को डेवलप करने का, अपने अंदर के उस छुपे हुए टैलेंट को पहचानने का, साथ ही साथ अपने लाइफ में बहुत सारे स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे ग्रोथ को अचीव करने का। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही एक खास टॉपिक पे। और जैसा कि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता भी होगा कि मैं समय समय पे डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी स्कैम्स हैं, जितने भी धोखाधड़ी हैं लोगों के साथ होते हैं, अलग अलग नाम से कोई कंपनी साबुन बेच रहा है, कोई कंपनी तेल बेच रहा है, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी के नाम पे एमएलएम के अंदर बंदों को जोड़कर उनको चूना लगाने का काम कर रहा है। तो मैं आपको ऐसे फर्जी कंपनियों से, ऐसे फर्जी लोगों से बचाता हूँ और साथ ही साथ आपको अवेयर करता हूँ कि कभी भी दो के नीचे दो, दो के नीचे दो जोड़कर जो है करोड़पति बनने वाला स्कीम का सपना देखकर आप अपना कीमती वक्त और अपना कीमती पैसा ना गवाएं। सो गाइस, 2023 जैसा कि मैंने बोला कि अब आ चुका है, ऐसे में ये एमएलएम वाले भी जो है काफी चालू होते हैं, ये भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। जिस प्रकार से बैक्टीरिया, जिस प्रकार से वायरस नया नए समय पे नए नए वेरिएंट लेकर आते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा कोविड के बारे में बात करें तो वो भी जो अपना जो वायरस था वो अपने आप को अपडेट कर रहा था नए नए वेरिएंट के साथ लोगों को परेशान करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों, ये जो एमएलएम का जो फ्रॉडियर होते हैं, ये एमएलएम के जो स्कैमर्स होते हैं, ये भी टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करते हैं। जैसे ही लगता है कि इनका जो भांडा है वो फूट चुका है, इनका पोल खुल चुका है, इनकी असलियत लोगों के सामने शुरू हो चुकी है, ठीक है, उनकी सच्चाई लोगों को पता चल चुकी है, तो उससे पहले ही ये लोग अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। नया कंपनी, नए लोग, नया लीडरशिप, नए नए प्रोडक्ट्स, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ वही दो के नीचे दो लोगों को जोड़कर उनको फंसाने के घोरक धंधे का। कोई कंपनी जो है साबुन बेच रही है, कोई कंपनी तेल बेच रही है, यहां तक कि कोई कंपनी जो है एमएलएम के नाम पे क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस कर रही है। ऐसे में दोस्तों, मैं चाहता हूं कि 2023 में आप कोई भी ऐसे स्कैम का, ऐसे धोखेबाज लोगों के चक्कर में आप ना फंसे, ऐसे किसी भी एमएलएम का पार्ट आप ना बने जो कि आपको शॉर्टकट में पैसे कमाने का लालच देकर आपसे आपका कीमती वक्त छीनता है, आपको एक फेक होप देता है, आपको एक नकली उम्मीद देता है और साथ ही साथ आपको इस बात का ट्रेन करता है कि आप जो उम्मीद आपको दिखाया गया है, जो झूठा सपना आपको दिखाया गया है, वही झूठी उम्मीद आप किसी और को दें, वही झूठे सपने आप किसी और को दिखाकर जो है उनको चूना लगाने का काम करें। एक तरीके से आप इसमें फंसे और फिर दूसरों को फंसाएं और फिर आप उसको प्रेरित करें कि वो किसी और को फंसाए। इस तरीके से फंसने और फंसाने का जो पूरा कार्यक्रम है उसको बोला जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, चेन मार्केटिंग कह ले, ठीक है, इसको अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, लेकिन इनका जो एक जो तरीका है, इनका जो एक कह सकते हैं जो इनका मेन मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों के पैसे लूटने का, ठीक है। यहाँ पे लोग जो एक दूसरे को प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, नए नए स्कीमों के बारे में बताते हैं, आइदर ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर जूम एप्लीकेशंस पे, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो आपके पैसे पे डाका डालने का। वो ये चाहते हैं किसी तरीके से आपको भ्रमित करके, किसी तरीके से आपको झूठे नकली सपने दिखाकर आपकी जेब से पैसे निकलवाएं, ताकि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है वो किसी न किसी कंपनी में जुड़े होंगे, उस कंपनी के मालिक को फायदा हो और वो कंपनी का मालिक जो है उस बंदे को एक तरीके से, जिस तरीके से रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है उसी तरीके से उसको भी कमीशन मिले। मार्केट में ऐसी ढेरों कंपनी है, अगर मैं गिनती करना शुरू करूं तो ये वीडियो जो है खत्म होने से पहले ही 2023 आ जाएगा। तो मैं कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो चार ऐसे गिने चुनी कंपनियां हैं, टेस्टीज, वेस्टीज, एमटीज, ठीक है, ओके, कोई कोई ओके लाइफ बेच रहा है या फिर कोई आरसीएम कर रहा है, ये कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा पॉपुलर हैं, लोग जानते हैं जिसके बारे में, नहीं तो इंडिया में लगभग 1200 से ज्यादा ऐसे जो है ठगी करने वाली कंपनियां हैं।
तो बेसिकली दोस्तों इसमें होता यही है कि कोई एक बंदा जो है कंपनी का मालिक होता है, जो उसका पूरा ओनर होता है, और बाकी उसमें जितने लोग काम करते हैं वो सभी उसमें एज अ सेल्समैन का जो प्रोफाइल होता है उसके लिए काम करते हैं विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी इंसेंटिव, सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेसिस पे। रूल काफी सिंपल है, तरीका काफी सिंपल है कि आपको आपका कंपनी का मालिक जो है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है आपको उसको सेल करने होते हैं। बेसिकली इन कंपनियों के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट करें, या फिर जितने भी हमारे आसपास के जो भी शॉप्स होते हैं किराने के दुकान में वहां अपने प्रोडक्ट को सेल करें, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स में कोई दम नहीं होता, इनके प्रोडक्ट्स में कोई क्वालिटी नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है अगर ये मार्केट में बेचेंगे भी तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो ऐसे में दोस्तों इन्होंने काफी शातिराना तरीके से एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा तरीका जो है इन्होंने सेल करने का जो है वो अपनाया है, जिसको बोला जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब कि अलग अलग लेवल पे बंदों को जोड़कर मार्केटिंग करना, मतलब कि जो बंदे ज्वाइन करेंगे वही उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी और उसको बेचेंगे भी अगले को उसको जोड़कर। मतलब यहाँ कि जो बंदा जुड़ेगा वही इसके साबुन से नहाएगा, जो बंदा जुड़ेगा वही इसके टूथपेस्ट से ब्रश करेगा, कोई बाहरी बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो है आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको झांसा दिया जाएगा कि आप जो है ये आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कुछ बिजनेस वगैरह होता नहीं है, आपको प्रोडक्ट खरीदने होते हैं और उस प्रोडक्ट को यूज करने होते हैं, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी आपको पैसे का जुगाड़ करना होगा, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जॉब करना होगा। मतलब ये कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं है, आप इनके प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, तो इन कंपनियों के दरवाजे आपके लिए बिल्कुल बंद है, क्योंकि इन कंपनियों के रूल ही है कि आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना है और इनके प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। बेसिकली क्या है, आपको इनका कंज्यूमर बनना होता है, सस्ते से सस्ता, घटिया से घटिया प्रोडक्ट आपको महंगे से महंगे रेट पे खरीदना होता है, ताकि आपका अपलाइन जिसने आपको प्लान दिखाया था, जिसने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जिसने आपको एक ऊंचा एक लाइफ स्टाइल का झांसा दिया था, उसकी जेब में आपके पैसे का कमीशन जाए। दोस्तों मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी है, मैं उसका ओनर हूं। मान लेते हैं कि मैं कंपनी है मेंटीज, विश यू हेल्थ, ठीक है, मैं मेंटीज कंपनी का ओनर हूं, और मुझे मेरे पास इतना बजट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन सभी के बीच में तो मेरी कोई औकात है नहीं, तो जाहिर सी बात है मैं किसी सेलिब्रिटी से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाने का बजट नहीं है, क्योंकि जितना नॉर्मली सेलिब्रिटी लोग अपना फीस लेते हैं उतना तो मेरी कंपनी का टर्नओवर भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे बंदों की तलाश में रहूंगा कि जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अनपढ़ टाइप के हैं, गवार हैं, या फिर वैसे लोग जो कि मिडिल क्लास से हैं लेकिन उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, और जिनके सपने बड़े बड़े होते हैं उनको जो है बेवकूफ बनाना काफी आसान होता है, क्योंकि उनके पास कुछ, उनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा होता है। ऐसे में हम उनको एक नकली रास्ता दिखाकर अपना एक मन मुताबिक उनसे हम कोई काम करवा सकते हैं, कोई टास्क उनसे हम करवा सकते हैं। तो मैं ऐसे बंदों को पकड़ूंगा जो कि मेरे लिए काम करे मेरे नौकर की तरह, ठीक है, और मेरी जो कंपनी है वो साबुन बना रही है। बेसिकली मेरे पास साबुन बनाने का कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास अपना कोई R&D भी नहीं है, लेकिन मैं किसी मार्केट से, डी मार्केट से कोई साबुन उठा लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ये 2 रुपए का साबुन अगर मार्केट से मैं उठा लेता हूं और इसके ऊपर जो है मैं अपनी कंपनी का, जो मेरा कंपनी है मेंटीज, उसका मैं इसमें ब्रांडिंग कर दूंगा, पैकेट वगैरह लेवलिंग वगैरह कर दूंगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव पैकेजिंग करूंगा कि देखने में थोड़ा बढ़िया लगे। अब ये जो मैंने 2 रुपए का साबुन जो मैंने मार्केट से खरीदा था इस पे मैंने अपनी ब्रांडिंग कर दी, अपनी लेवलिंग कर दी, और जो है आप लोग गेस करें मैं इसका प्राइस कितना रखूंगा, गेस करें आप लोग। 2 रुपए का मैंने खरीदा है, 1 रुपया मुझे इसकी पैकिंग पे लगी है, 3 रुपए, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट अपने इस साबुन का दाम रखूंगा मैं 40 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे 40 रुपए का तो मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड है, डव हो गया, पियर्स हो गया, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है, और मैं तो एक सड़क छाप साबुन तो कैसे बिकेगा, बिकेगा। लोगों को सपने दिखाना शुरू कर दो ना, लोगों को सपना दिखाना शुरू कर दो, आप उनको गोबर भी सोना बताकर बेच सकते हो, और यही से गोरख धंधा शुरू होता है MLM का। मैं उनको बोलूंगा कि हमारा जो ये साबुन है ये दुनिया भर की जड़ी बूटियां इसके अंदर है, और ये साबुन जो है औषधीय है, हर्बल है, ठीक है। मैं कुछ इसका नकली डेमो वगैरह दिखा दूंगा, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो साबुन है ये आपकी गरीबी को धोएगी,
इस साबुन से झाग नहीं निकलता है, इस साबुन से पैसे निकलते हैं, आपकी जिंदगी बदलेगी। और मैं लोगों को पकड़ पकड़ के जो है सेमिनार में बुलाऊंगा और किसी एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को मैं कुछ पैसे देकर खरीद लूंगा ताकि वो मन मुताबिक जो मैं उसको स्क्रिप्ट दूं वैसा जो है वो लोगों को बताए। अब जाहिर सी बात है जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनका अपना एक अलग फैन बेस है और वो उस फैन बेस का मिसयूज करेंगे मेरे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब जैसे कि मैंने बोला अगर इसमें औषधीय है, जड़ी बूटी है, और दोस्तों अगर झूठ भी अगर आप 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोलो ना तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई वाली फीलिंग आने लगती है। तो ठीक इसी माइंड गेम का प्रयोग होता है MLM के अंदर कि एक ही झूठ को 100 बार बोल बोलकर उसमें एक तरीके से सच्चाई क्रिएट करना। अब जो बंदा बिल्कुल भोला भाला है, बिल्कुल नया है, जो बेरोजगार है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इस झूठ के झांचे में आ जाएगा और वही साबुन जो मार्केट से वो 2 रुपए में खरीद सकता था वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेरा साबुन जो है फर्जी मोटिवेशन के नाम पे 40 रुपए में खरीदेगा और वो और ज्यादा गरीब हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों तरीके इंप्लीमेंट किए जाते हैं। कोई साबुन बेच रहा है, कोई शैम्पू बेच रहा है, कोई कोट पैंट बेच रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी बेच रहा है, लेकिन वो बेच रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको। वो बेच रहा है आपके सपनों को, वो बेच रहा है आपको एक नकली रास्ता अपने खुद के जेब को भरने के लिए। ऐसे में दोस्तों 2023 में आप किसी भी MLM के चक्कर में ना फंसे। और आप अगर यार लोगों को जोड़ना ही है ना तो लोगों को जोड़कर खुशियां बांटो ना, जोड़कर साबुन बेचना कहीं से भी जो है यहाँ पे तर्कसंगत नहीं है। इससे आप सिर्फ और सिर्फ अपना कीमती समय गवाएंगे, अपना कीमती पैसा गवाएंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, साथ ही साथ अपने कलीग्स के बीच में आप अपनी बेइज्जती करवाएंगे। लोग आपको दूर से देखकर ही हंसेंगे, बोलेंगे अरे वो देखो नेटवर्कर जा रहा है, वो देखो करोड़पति जा रहा है, जबकि आपकी जेब में एक अठन्नी भी नहीं होगा। सो दोस्तों आइए प्रण लेते हैं कि 2023 में कोई भी MLM ज्वाइन नहीं करेंगे, अपना छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, अपने स्किल को डेवलप करेंगे ताकि हम किसी के नौकर ना बने, अपने खुद में मालिक बनकर अपना खुद को, अपना एक अस्तित्व को मजबूत करेंगे। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से ना आपको एक मोटिवेशन मिला होगा, आपको नॉलेज मिला होगा कि MLM कितना बड़ा अभिशाप है, MLM किस तरीके से आपके अंदर का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको लो करने का काम करता है। आपका क्या विचार है MLM को लेकर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ सजेशन दें, एडवाइस दें कि आने वाला वीडियो को आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार यूं ही मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं आप उसे मिस ना कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।